Don't forget to subscribe The Unique India and press bell icon for fast notification. Yeah.
बाप ब्लॉक आ गया, स्कूल चलाना नहीं आता, मलाई खानी आती है, स्कूल नहीं चलाएंगे मलाई मलाई खाएंगे, तेरे कंपनियों को स्कूल देंगे, टाटा स्कूल चलाएगा, अंबानी स्कूल चलाएगा, तो सरकार भी टाटा अंबानी को दे दो, तुम्हारी सरकार भी टाटा अंबानी वाले चलाएंगे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले जी के सपनों को कुचला है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर सावित्री बाई जी के सपनों को कुचला है। महाराष्ट्र के लोग इसका बदला लेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, इसको छोड़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, सरकारी स्कूलों में केवल गरीब लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे, मजबूरी में भेजते थे, पैसे नहीं थे, सरकारी स्कूलों में भेजते थे, कोई आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता था तीन साल पहले। दोस्तों आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि तीन साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्रांति कर दिए, कायापलट हो गया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। हमने एक भी स्कूल बंद नहीं किया, हमने 300 नए स्कूल बनाए तीन साल के अंदर, 300 नए स्कूल। क्योंकि
कंपनियों से मिले हुए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी कांग्रेस की सरकारें बिजली कंपनियों से मिली हुई थी। हमारी सरकार बनी, हमने इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया और आज दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र के लोगों को सस्ती बिजली चाहिए? क्या दिल्ली के तरह आपको सस्ती बिजली चाहिए? मुझे बेहद दुख होता है, शिवाजी महाराज की धरती के ऊपर आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान रो रहे हैं, खून का आंसू बहा रहे हैं और भाजपा सरकार को कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है लोगों को। कुछ किया इन लोगों ने किसानों के लिए? जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 3 महीने बाद, मेरे मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद दिल्ली में बारिश हो गई, बेमौसम बारिश। हमारे किसान आए मेरे पास, बोले अरविंद जी बारिश हो गई, फसलें खराब हो गई। मैं उनके साथ दौड़ा दौड़ा उनके गांव में गया, 10-15 गांव में घूमा और मैंने देखा उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सबसे पहला धर्म बनता है मुख्यमंत्री का कि उनकी मदद करे। हमने अपने किसानों को 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया और 3 महीने के अंदर सबको चेक दिला दिए। किसानों का एक ही लाभ, केजरीवाल केजरीवाल, किसानों का एक ही लाभ, केजरीवाल केजरीवाल, किसानों का एक ही लाभ, केजरीवाल केजरीवाल। मुझे बताया गया है आजाद भारत में पिछले 70 साल में आज तक किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा अपने किसानों को कभी नहीं दिया। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, क्योंकि आम आदमी की सरकार अपने किसानों का ख्याल रखती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन वो मुकर गए। मैं पूरे देश के किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि ये पार्टियां स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं करने जा रही। अब हम सबको इकट्ठे होके इस देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा और स्वामीनाथन आयोग लागू करा के देना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने सारी जाति के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। ज्योतिबा फुले ने सारी जाति और सारे धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने प्यार और मोहब्बत, भाईचारे का संदेश दिया। मुझे बड़ी दुख हुआ कि भीम कोरेगांव में दलितों के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने पथराव किया और हिंसा की, इसकी हम बहुत गहरी निंदा करते हैं। शेम, शेम। भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने वाली पार्टी है। पूरे देश के अंदर कभी ये हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाती है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, हमारे देश पे 150-200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। कितने अंग्रेज थे? कोई कहता है 60,000, कोई कहता है 70,000। 60,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ लोगों पे राज किया। कभी सोचा कैसे राज किया? अगर ये 30 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते तो 2 मिनट के अंदर अंग्रेजों को आके हम भगा सकते थे। 60,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ लोगों पे कैसे राज किया? डिवाइड एंड रूल।
हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया, इस जात को उस जात से लड़ा दिया। हम अपने लड़ते रहे और वो हमारे ऊपर राज करते रहे। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन देश के दो टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान एक बना। पिछले 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है कि हिंदुस्तान को कमजोर करो, हिंदुस्तान को कमजोर करो। 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है हिंदुस्तान को बांटो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, इस जात को उस जात से लड़ाओ। जो 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया, 3 साल में बीजेपी वालों ने कर दिया। 3 साल में बीजेपी ने देश है हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया, इस जात को उस जात से लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, इसको मरवा दिया, दलितों को कुचल दिया। जो हम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने 3 साल में पाकिस्तान के सपने पूरे कर दिए। बीजेपी वाले देशद्रोही है, बीजेपी का दारों की पार्टी है। के अंदर भी
सारी पार्टियों को लात मार के भगाना है और आम आदमी का आपका एक आम आदमी का राज्य स्थापित करना है। मुझे बेहद खुशी है कि आज ब्रिगेडियर सावंत। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए।